इंटर करते हैं 11.7 में। यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहेगा और उसका हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा। मतलब एक एक्स अलग दे देगा, वाई अलग दे देगा, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दे दिया है 80 स्क्वायर और वाई का वैल्यू दिया है 280, तो हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्या निकालना रहेगा, उसमें हम लोग को डायरेक्ट निकालना रहेगा डी 80 स्क्वायर बाई डी 280। तो दोनों लगभग लगभग सेम ही हो जाता है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, तो सॉल्व करने का तरीका भी लगभग लगभग सेम ही होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल नहीं सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी अगर निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 280, और डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो मिलेगा 2a। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी डी टी कैंसिल होकर के हम लोग को मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी ए वाला है 2a, और डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/280। 2a 2a कैंसिल होकर के हम लोग का आंसर मिलेगा 1/t। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड में दिया हुआ है एक्स बराबर, ऑड वाला हम सारा बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग ट्राई करना। एक्स बराबर दिया है ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा, और हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी वैसे ही कर लोगे, पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लोगे और फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाल लोगे, तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको स्किप करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। एक्स बराबर बी साइन स्क्वायर थीटा और वाई बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सॉल्व ही हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद 7 तुम लोग सॉल्व करके देख लो। 7 नंबर दिया हुआ है, एक्स बराबर ई के पावर टी प्लस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, और वाई बराबर दिया हुआ है ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें तुम लोग निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आंसर दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा वाई। देखो कर लेते हैं। सबसे पहले तो डी एक्स बाई डी टी करना होगा, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई के पावर टी, तो ई के पावर टी ही रह जाएगा और प्लस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा ई के पावर माइनस टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ई के पावर टी प्लस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी मतलब कि ई के पावर टी प्लस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। डी वाई बाई डी टी इंटू ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस टी, तो ये कुछ डिफरेंट ढंग से आ रहा है ना। एक काम करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इतना आया है, इसको हम लोग ऊपर वाला से कंपेयर कर लेते हैं। तो ऊपर वाला से कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करो इसको। देखो यहाँ पर ए वाला और ए वाला सेम है, ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस टी, मतलब कि ए हो गया तुम्हारा वाई के बराबर और ए वाला जो है तुम्हारा हो गया एक्स के बराबर। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसको हटाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स,
तो डी वाई बाई डी टी कितना आया है वाई, और डी टी बाई डी एक्स डी टी बाई डी वाई कितना आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स एक्स ऊपर हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी ए वाला था और डी एक्स बाई डी टी वाई है, मतलब कि आ गया हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा वाई, यही लाना था ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में दिया हुआ है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग को निकालना है पहले डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइनली निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस इसमें फर्स्ट का गुना इंटू सेकेंड वाला का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा प्लस दूसरा का गुना साइन थीटा इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, मतलब थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू इतना आ गया, यहाँ से कुछ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा। तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये तो ठीक ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स के टर्म में कॉस थीटा प्लस, नहीं एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा एक्स वाला टर्म जो आया है वन बटा ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर छूट रहा है ए थीटा कॉस थीटा है वाई बराबर ए थीटा कॉस थीटा है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बड़ा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन का कॉस थीटा प्लस पहला का गुना थीटा इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कॉस का साइन और माइनस पहला गुना दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को ये मिल जाएगा ए साइन थीटा और एक ठो थीटा भी है यहाँ पर ए साइन थीटा इंटू थीटा, थीटा ए साइन थीटा। तो ए वाला हटा करके हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं थीटा ए साइन थीटा, तो हम लोग को ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। इलेवेंथ दिया हुआ है, इलेवेंथ में हम लोग को सबसे पहले एक्स का वैल्यू दे दिया है 2t बटा 1 + t² और वाई का जो वैल्यू है वो दे दिया है 1 - t² बटा 1 + t². अब इसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम लोग dx बाई dt निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो नीचे वाला का गुना 1 + t² इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का गुना इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 2t डिवाइडेड बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर 1 + t² का होल स्क्वायर। तो हम लोग को मिल गया 2 + 2t² माइनस 4t² डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2 - 2t² डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। उसके बाद अब निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी के लिए हम लोग को
डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो नीचे वाला का गुना 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 टी, जी 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का -2t होगा, नीचे वाला गुना ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का गुना करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2t, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -2t और -2t³ और -2t और माइनस माइनस प्लस 2t³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और हॉल स्क्वायर। तो ये आ गया -40 और 2t³ और 2t³ कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा डी वाई बाई डी टी का वैल्यू -40 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया था, 2 माइनस 2t, 2 माइनस 2t स्क्वायर आया था। तो हम लोग का आंसर मिल रहा है 40 बटा 2t स्क्वायर -2, या फिर 2t बटा t स्क्वायर -1। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, 13 भी ऐसा ही है, सब ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू दिया है और वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है और 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही लगता है। हो गया हम लोग का यहाँ पर क्या था, 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी, ये सिर्फ उल्टा आ जाएगा हम लोग का आंसर, एक्स के जगह पर वाई दे दिया है, वाई के जगह पर एक्स दे दिया है। चलो 15 अप्लाई किया है टीचर डांस क्लास के लिए, देख लो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है और दिया हुआ है e के पावर cos 2t, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है e के पावर sin 2t, sin 2t, y इज इक्वल टू e के पावर sin 2t। तो प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स, ये वाला सॉल्व करो तो तुम लोग खुद से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y बटा एक्स और log x बटा log y, log x बटा log y। ट्राई करो तो 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में कोशिश करना, 5 मिनट के अंदर। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 17 में, एक्स बराबर ए इंटू टी प्लस 1/t और वाई बराबर दिया हुआ है ए इंटू टी माइनस 1/t, और हम लोग को लाना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा वाई। तो यहाँ पर लाते हैं, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ए इंटू टी का 1 हो जाएगा माइनस 1/t का कितना होता है 1/t स्क्वायर, 1/t का करेंगे तो t के पावर -1, तो -1 हाँ 1/t स्क्वायर हो जाएगा। और डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी अगर निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा ए इंटू 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर -1/t स्क्वायर,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी टी को लिखेंगे, ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इंटू फिर हो जाएगा टी स्क्वायर बटा ए इंटू टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए तो बच गया हम लोग के पास वन प्लस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस वन। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग ऊपर चलते हैं। एक्स और वाई का जो वैल्यू था, यहाँ पर एक्स का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ सकता है कुछ, यहाँ से अगर एक्स बराबर हम लोग निकालेंगे तो ए इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी आएगा। तो यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस वन हम लोग को मिल जाएगा एक्स टी बाई ए। इसी तरह से टी स्क्वायर माइनस वन हम लोग को मिल जाएगा वाई टी बाई ए। ठीक है, ए मिल गया टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन का। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था, वो मिला था एक्स टी बटा ए, एक्स टी बाई ए, और ए वाला मिल गया ए बटा वाई टी। क्या हुआ, ए बटा वाई टी। तो यहाँ से ए कैंसिल हुआ, टी भी कैंसिल हो गया, तो हम लोग को आंसर मिल गया एक्स बटा वाई। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ है एक्स बराबर साइन स्क्वायर टी बटा साइन स्क्वायर टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी कॉस टू टी, और वाई दिया हुआ है कॉस क्यू टी, अच्छा साइन क्यू ही है, साइन क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी, और यह है कॉस क्यू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी। नीचे दोनों में अंडर रूट कॉस टू टी ही है, ऊपर सिर्फ अंतर है, एक में है साइन क्यू और एक में है कॉस क्यू। और हम लोगों को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर से इसको कर लेंगे, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालना होगा। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला का गुना कॉस टू टी और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, तो थ्री साइन स्क्वायर टी और साइन टी का फिर कॉस टी। माइनस फिर ऊपर वाला का गुना साइन क्यू टी इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो वन बाई टू रूट कॉस टू टी हो जाएगा। और फिर कॉस टू टी का करेंगे तो माइनस साइन टू टी, माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का करेंगे तो टू डिवाइडेड बाई नीचे वाला का हॉल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर टू टी। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, थ्री कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी अंडर रूट कॉस टू टी माइनस, इधर से करेंगे तो दो दो कैंसिल हो रहा है, और दो दो कैंसिल होगा, और माइनस साइन टी इधर है साइन क्यू टी इंटू, और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, दो ठो निगेटिव आ गया है, साइन टू टी बटा अंडर रूट कॉस टू टी। तो अंडर रूट कॉस टू टी को हम लोग नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस क्यू टी
इंटू अंडर रूट कॉस 2t, और ए वाला अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, इक्वल टू 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यू टी, इतना आ रहा है। r डिवाइडेड बाई नीचे हम लोग का जो आएगा वो आएगा कॉस क्यू 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। तो ये तो आ गया dx बाई dt। अब इसी तरह से हम लोग को dy बाई dt भी निकालना पड़ेगा। dy dt में हम लोग क्या लेना है, कॉस क्यू लेना है ना, कॉस क्यू बटा कॉस 2t, कॉस 2t। तो इसका भी सेम प्रोसेस होगा, पहले नीचे वाला से गुना करेंगे कॉस 2t इंटू ऊपर वाला से डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ जाएगा 3 cos² t और कॉस टी का फिर माइनस साइन टी और माइनस, फिर ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यू टी इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि 1 बाई 2 रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का हो जाएगा फिर माइनस साइन 2t और फिर 2t का हो जाएगा 2। यहाँ से फिर ए कैंसिल होगा और डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग का रहेगा कॉस क्यू एक कॉस क्यू, यहाँ पर कहाँ से आया था कॉस क्यू, और कॉस स्क्वायर था ना, कॉस स्क्वायर भी नहीं होगा, कॉस 2t था ना, कॉस 2t का अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कॉस 2t बचेगा, तो ये सिर्फ कॉस 2t होगा और नीचे में भी हो जाएगा कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस 2t इज इक्वल टू, हम लोग एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस साइन टी इंटू 3 रहेगा कॉस स्क्वायर टी इंटू अंडर रूट को हटा देते हैं, ये बन जाएगा कॉस 2t माइनस कॉस क्यू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू साइन 2t, और तो कुछ नहीं है, साइन 2t अंडर रूट वाला था तो उसको हम लोग नीचे लेकर चले आ रहे हैं, तो नीचे में हो जाएगा कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t। अब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाला में अगर यहाँ पर देखो तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन 2t तो नहीं होगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर वाला में कॉस टी कॉमन, कॉस टी भी कॉमन नहीं आएगा, फिर भी कॉस टी ले सकते हैं बाहर, ये काफ़ी लंबा चौराहा आ गया। dy बाई dx अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, dy बाई dx इज इक्वल टू ए वाला ऊपर रहेगा माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं जो जो कॉमन आएगा, तो साइन 2t को भी यहाँ पर 2 sin t इंटू कॉस टी कर देते हैं, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, साइन टी इधर से साइन टी कॉमन आएगा और साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये बन गया माइनस 3 कॉस 2t और प्लस 2 साइन कॉमन हो गया, उसके बाद कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया, फिर भी कॉस स्क्वायर टी बच जाएगा, और नीचे में
नीचे में हम लोग का ऊपर यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है इसको हटा करके 2 sin t इंटू कॉस टी कर देते हैं, तो कॉमन आ जाएगा कॉस टी और साइन पर पावर 2, कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट में क्या कह रहा गया, 3 cos 2t, 3 cos 2t और इधर से क्या क्या कॉमन जा चुका है, साइन स्क्वायर जा चुका है, तो एक साइन इधर से और एक साइन इधर से, तभी साइन स्क्वायर बचेगा 2 sin² t प्लस 2 sin² t, प्लस था कि माइनस था, प्लस था, तो यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, बाकी सब तो रह ही जाएगा, 2 cos² t sin² t रह ही जाएगा। देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है cot 3t, cot 3t मतलब कि ऊपर cos 3t आना चाहिए और नीचे sin 3t आना चाहिए, तो कुछ गलती हो गया, ऊपर में हम लोग को जो आना चाहिए वो है 3 cos t माइनस 4 cos q t, ये आना चाहिए ऊपर में, आ रहा है 3 cos 2t है यहाँ पर, उसको देखते हैं और आगे सॉल्व करके आता है कि नहीं। cos 2t को हटाते हैं, यहाँ से आ जाएगा साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस था ना, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया cos t बटा sin t, और अंदर में ये जो है -3 cos 2t को रिप्लेस कर देते हैं, cos 2t बराबर हो जाएगा 1 - 2 cos² t -1, और प्लस 2 cos² t, और नीचे में 3 cos 2t, इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ए हो जाएगा 1 - 2 sin² t और प्लस 2 sin² t, तो यहाँ से अब सॉल्व करके क्या आएगा, cos t बटा sin t इंटू -6 cos² t प्लस 3 प्लस 2 cos² t डिवाइडेड बाई 3 - 6 sin² t प्लस 2 sin² t इक्वल टू cos t बटा sin t। अब यहाँ से आ जाएगा 3 - 6 में से 2 गया तो 4 cos² t बटा ये आ जाएगा 3 - 4 sin² t बराबर 3 cos थीटा माइनस 4 cos q t बटा 3 sin t माइनस 4 sin q t, तो 3 cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos q t होता है ना, तो इसको -cos 3t लिख लेते हैं, और नीचे वाला जो साइन है ये 3 sin t माइनस 4 sin q t ही होता है, तो ये हो जाएगा sin 3t। यही कि हम लोग का आंसर जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है, cot 3 निगेटिव ही दिया है, -cos 3t ही है, यह है इसका पूरा सोल्यूशन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 दिया हुआ है तुम्हारा x बराबर a इंटू, ये तुम लोग खुद से कर लेना, ये हो जाएगा 1 + t² /
वन माइनस टी स्क्वायर, और वाई दिया हुआ है 2t बटा वन माइनस टी स्क्वायर, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये तुम लोग कर लेना, ऊपर इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 देख लेते हैं, 23 में दिया हुआ है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा बराबर पाई बाई थ्री पर हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, थीटा बराबर पाई बाई थ्री। तो ये भी सिंपल ही है, बस पाई बाई थ्री पुट कर देना है। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो, ए इंटू वन माइनस साइन का कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू वन माइनस कॉस का साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब कि 60 डिग्री, साइन 60 कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू बटा ए इंटू वन माइनस कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो ए कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 माइनस रूट 3 बटा 1, 2 माइनस रूट 3, लेकिन आंसर दिया हुआ है √3। ऐसा कैसे होगा, कुछ गलती हुआ क्या? 23 ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ओ 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर गलती की है। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस साइन थीटा। तो 2 माइनस रूट 3, और ये 0, ये ऊपर में हो जाएगा -√3/2, और नीचे हो जाएगा 0 माइनस 1/2। तो ए कैंसिल हो गया, और 1/2 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, √3 ही होगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। 25 दिया हुआ है x बराबर cos t इंटू 3 माइनस 2 cos² t, और y बराबर दिया हुआ है साइन t इंटू 3 माइनस 2 sin² t, 3 माइनस 2 sin² t, और हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स एट x बराबर पाई बाई 4। तो ये भी सिंपल है, आसानी से कर लोगे, dx एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन माइनस 4 cos t इंटू कॉस टी का फिर माइनस साइन टी, प्लस दूसरा का गुना 3 माइनस 2 cos² t इंटू पहला का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो पहला का गुना साइन टी इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन माइनस 4 sin t, फिर साइन टी का कॉस टी, प्लस दूसरा का गुना 3 माइनस 2 sin² t इंटू साइन टी का कॉस टी। अब हम लोग को निकाल लेना है डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई वाला को ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं। साइन टी का वैल्यू पुट करेंगे मतलब साइन पाई बाई 4, 1/√2 आएगा इंटू माइनस 4 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब कि 1/2, प्लस थ्री माइनस 2 sin² t मतलब कि 1 हो जाएगा, और कॉस टी 1/√2, ये ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसको, कॉस टी है, कॉस टी मतलब कि 1/√2 इंटू 4 इंटू 1/2
आर प्लस थ्री माइनस टू इंटू वन बाई टू, वन इंटू माइनस वन बाई रूट टू, कितना मिल गया? दो से दो कैंसिल होगा तो माइनस रूट टू मिलेगा हम लोग को, माइनस रूट टू, और प्लस तीन में से दो गया, तीन में से एक गया तो दो, प्लस रूट टू ये तो जीरो आ गया। क्या दिया है आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 तो वन दिया है। और नीचे कितना आ रहा था? नीचे आ रहा है दो रूट दो, और तीन में से एक गया दो, माइनस रूट टू, ठीक है, इसको कैंसिल करके वन, यही तो हो सकता है। ये क्या किया है ना कि पहले ऐसे हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, एक जीरो बाई जीरो भी आने का चांस बन रहा है, तो ये क्या किया है कि पहले इन दोनों को ही डिवाइड करके सॉल्व कर लिया है, और डिवाइड करने के बाद सारा कुछ कैंसिल हो करके लास्ट में कुछ कॉट 45 आ जाएगा या फिर टेन 45 आ जाएगा, जहाँ से तुम्हारा आंसर वन आ जाएगा। और ऐसे हम लोग को एक तो एक प्रॉब्लम भी हो। अभी कितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अच्छा एक लास्ट है 27, 27। x बराबर दिया है 3 sin t माइनस sin 3t, और y बराबर दिया हुआ है 3 cos t माइनस cos 3t। तो निकालना है t बराबर पाई बाई 3 रखना है। तो पहले dy बाई dt निकाल लेते हैं, dy बाई dt, तो 3 cos का sin t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3t का sin 3t इंटू 3, इतना बटा डायरेक्ट ही कर देते हैं। x का हो जाएगा 3 sin का cos t माइनस sin 3t का cos 3t इंटू 3। अब इसका क्या होगा? हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई बाई 3 पुट करना है तो माइनस 3 इंटू पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री, तो रूट 3/2 प्लस 3 इंटू पाई बाई 3 साइन 180, साइन 180 कितना होता है? 0 होता है, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 और माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा? कॉस 180 माइनस 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दो दो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 रूट 3 बटा 2 बटा 3/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 बटा 3, और ये 6 3 9 हो जाएगा बराबर माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, -1/√3। ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट अभी एक या दो चैप्टर और बचा हुआ है। अगला चैप्टर जो है बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो अगला तुम लोग से सॉल्व हो जाएगा। ये था हम लोग का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11.7, 11.8 एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद वाला क्लास में एक टेस्ट दे देना जो इसी सब क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, दो चैप्टर से रिलेटेड होगा, मतलब अभी जो करवा रहे हैं वो वाला, और एक तो अगला चैप्टर जो कि सेम ही है, मतलब 11.7 11.8 से रिलेटेड, मतलब कि नेक्स्ट वेडनेसडे या जो भी दिन क्लास होगा एक तो क्लास लेंगे, और उसके अगला दिन टेस्ट लेंगे, डिफ्रेंसिएशन का ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।